डैड अगर वो मेरे दोस्तों के लिए कुछ सिफारिश कर देते तो उनकी लाइफ बन जाती। हेलो सर। हेलो विष्णु, आज मेरा मूड कुछ अच्छा है। आनंद, इस तरह की सिफारिश कभी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, आई विल टॉक। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू मिस्टर बर्दा। क्या बात है, आप अपने इतने टैलेंटेड बेटे को ऐसे ऐसे उंगली दिखा दिखा के क्यों डांट रहे थे? उंगली तो पहले इसने की थी मिस्टर नायर। शायद शक्ल से मैं इसे कुछ बेवकूफ लगता हूँ। नहीं नहीं सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं सर। सर मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे अपने बेटे नंज की याद आ जाती है। What do you mean by that? I mean, सर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर आप जैसा ओवर एजुकेटेड बने। हाईली एजुकेटेड इज द वर्ड। इसके लिए तो उसे शायद अगला जन्म लेना होगा। जी वर्तन साहब, वर्तन साहब। अगले जन्म की तो अगले जन्म में सोचेंगे, पहले इस जन्म का तो नक्की कर ले। आप आपका रिसोर्सफुल हाथ हमारे बच्चों के सर पे रख दे बस। वेरी क्लेवर। अब बात समझ में आई। आप अपने बेटों के एडमिशन के लिए मेरा इन्फ्लुएंस और सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे साहब, सोर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप एक मिस कॉल भी कर देंगे ना तो भी हमारे बच्चे तैर जाएंगे। इनके लिए मैं अपना मिस कॉल वेस्ट क्यों करूं? जब ये पढ़ना ही नहीं चाहते तो किसी कॉलेज के 3 सीट बेकार करने का क्या मतलब? टेल मी मिस्टर निगम, एम आई रॉन्ग? मैं तो प्रॉपर्ली बोल ही नहीं पाऊंगा। अब लड़की का बाप जो हूँ, और जैसे आप जानते हैं कि लड़की का बाप तो लड़की का बाप ही होता है। बोलना क्या है मिस्टर निगम, आपके बच्चे कितने लायक हैं ये तो वो साबित कर ही चुके। अरे हमारे बच्चे नालायक हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी ना। अगर माँ बाप ही अपना फर्ज निभाने लायक होते तो शायद ये बच्चे इतने नालायक नहीं होते। I'm proud of you, my son. Ladies and gentlemen, excuse me, sir. आज सोसाइटी में मेरे बेटे ने अपना सर ऊपर रखना सीख लिया। मुझे वो दिन याद है जब मैं विष्णु को गले लगाकर उसके पहले दिन कॉलेज की दहलीज तक छोड़ने गया। उस वक्त मैंने वरदान फैमिली का एक जिम्मेवार पिता होने का फर्ज पूरा किया। Cheers to me and my son. Enjoy the evening, ladies and gentlemen. Congratulations, sir. Thank you, sir.